चलिए तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल क्या होता है। इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बता दूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, और टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में मैं रिकॉर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, और रिकॉर्ड्स के अंदर आपको मैं एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू और स्टॉक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज के वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है हमारा कैपिटल, और कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। और इसमें कैपिटल में आपको मैं पढ़ाऊंगा कैपिटल क्या होता है, कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे कैपिटल वाले टॉपिक में। चलिए तो कैपिटल क्या होता है हम लोग इसे समझते हैं। कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी। कह रहा द कैपिटल मीन्स द एसेट्स एंड कैश इन ए बिजनेस। कैपिटल में आइदर बी कैश, मशीनरी, रिसीवेबल अकाउंट्स, प्रॉपर्टी और हाउसेज। कैपिटल में आल्सो रिफ्लेक्ट द कैपिटल गेन इन बिजनेस और द एसेट्स ऑफ द ऑनर इन ए कंपनी। देखिए हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं, ये सारा का सारा एसेट्स हमारा कैपिटल के रूप में ही काम करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके बिजनेस में मशीनरी है, वो एसेट्स है, लेकिन वो आपका कैपिटल है जो व्यापार को संचालन करने के लिए व्यापारी के द्वारा अपने व्यापार में लगाया जाता है, वो सब उसके लिए पूंजी ही कहलाएगा। जैसे कैपिटल में कैश आ गया, कैपिटल में मशीन आ गया, कैपिटल में बैंक में जो आपका पैसा है वो आ गया, कैपिटल में आपका स्टॉक आ गया, कैपिटल में आपका बिल्डिंग आ गया, ये बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारा का सारा आपका पूंजी यानी कैपिटल होगा। करा पूंजी का अर्थ किसी व्यवसाय में संपत्ति और नगदी से है। पूंजी या तो नगद यानी कैश, मशीनरी, प्राप्य खाते यानी किसी से पैसे प्राप्त होने वाले हैं, संपत्ति या घर हो सकते हैं। पूंजी किसी व्यवसाय में प्राप्त पूंजी या किसी कंपनी में मालिक की संपत्ति को भी दर्शा सकती है। यानी आप किसी व्यक्ति से जिसके यहाँ आपका पैसा उधार है उससे जो पैसा प्राप्त होने वाला है, या मालिक का ऑनर का जो संपत्ति है वो उसके लिए पूंजी यानी कैपिटल कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, कर एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल। कंपनीज कार, कंपनी का जो कार है वो कंपनी के लिए कैपिटल है। जैसे कोई स्कूल है, स्कूल का जो बस है वो उस स्कूल के लिए कैपिटल है। स्टॉक, उसके पास जो माल है वो उसके लिए पूंजी है। मशीनरी, उसके पास जो भी मशीनरी का चीज है वो उसके लिए कैपिटल है। पेटेंट्स यानी वो उसका राइट है, अधिकार है, वो उसके लिए पूंजी है, क्योंकि उसको उससे पैसे प्राप्त हो रहे हैं, अर्न हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर, अगर कोई कंपनी है जो सॉफ्टवेयर ही बनाती है और सॉफ्टवेयर को सेल करती है, तो सॉफ्टवेयर बना करके अपने पास जो रखे हुए वो भी उसका पूंजी है। बॉन्ड्स, जैसे कोई अग्रीमेंट होता है, कोई बॉन्ड्स बनता है, वो बॉन्ड्स भी उस कंपनी के लिए क्या है, कैपिटल है। तो कुल मिला के ये हुआ कि हमारे कंपनी में, किसी भी कंपनी में, हमारे कंपनी में जितनी भी वस्तु, जितनी भी संपत्ति यूज होते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, जो भी एसेट्स यूज होते हैं वो सारे के सारे पूंजी यानी कैपिटल के रूप में काम करते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, किसी भी व्यवसाय में यदि हमें प्रॉफिट होता है, अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारा कैपिटल भी बढ़ता है, और जैसे जैसे हमें बिजनेस में लॉस होता है वैसे वैसे हमारा कैपिटल भी कम होते जाता है, कैपिटल में मेरा कमी होते जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यापारी है जो 1,00,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया था, उसके पास पूंजी 1,00,000 रुपए था, उसे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अब उसका जो पूंजी हुआ वो 1,10,000 रुपए हो गए। यानी आपने क्या देखा कि जैसे जैसे प्रॉफिट हुआ वैसे वैसे उसके पूंजी में वृद्धि हो गया। अब आइए, यदि कोई कंपनी है जिसमें 1,00,000 से वो बिजनेस प्रारंभ किया लेकिन उसे 10,000 का नुकसान हो गया, तो 10,000 के नुकसान से अब उसका जो पूंजी है वो 1,00,000 में से 10,000 घटाने के बाद कितना हो गया, 90,000। यानी लॉस होने से पूंजी घटता है और प्रॉफिट होने से पूंजी बढ़ता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहां पे करा, हेयर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कंपनी के लिए जो कंपनी का कैपिटल के रूप में आता है, जैसे कंपनी का कार है, उसके बाद मशीनरी है, पेटेंट्स है, सॉफ्टवेयर है, ब्रांड्स नेम है, बैंक अकाउंट है, स्टॉक है, बॉन्ड्स है, ये सब कंपनी के लिए क्या है, पूंजी है। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई ब्रांड है, जैसे बुलसा एक ब्रांड है,
तो बुलसाई का जो ब्रांड है, बुलसाई के नाम पे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो ये हमारा पूंजी है, ये हमारा कैपिटल है, इससे हमें पैसे अर्न हो रहे हैं, तो वैसा सारा चीज हमारे कैपिटल के रूप में आता है। अब कह रहा है देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इन बिजनेस इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल। देखिए बहुत सारे टाइप के कैपिटल होते हैं हमारे बिजनेस में। अब उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस इतना समझिए कि व्यवसाय में जो भी संपत्ति व्यवसाय को संचालन करने के लिए व्यापार के ऑनर के द्वारा लगाया जाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। शॉर्ट में आप ये भी बोल सकते हैं कि व्यवसाय के संचालन करने के लिए व्यापार का मालिक अपने व्यापार में जो भी पैसा माल संपत्ति लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं। अरे पैसा लगाता है तो कैश हो गया, माल लगाता है जो माल उस सेल करने के लिए लगा रहा है, और संपत्ति जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये सब को हम पूंजी यानी कैपिटल कहते हैं। अब यहां पे दे रहा है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल कई तरह का होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल हो गया, डेट कैपिटल हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया, ट्रेडिंग कैपिटल हो गया। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्किंग कैपिटल। करंट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंट बिटवीन ए कंपनीज करंट एसेट्स एंड इट्स करंट लायबिलिटीज। इट इज ए मेजर ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। एग्जांपल, ए हेयर सैलून विथ एसेट्स ऑफ 160 एंड लायबिलिटीज ऑफ $65,000। एक हेयर यानी एक सैलून है जिसका संपत्ति है $160,000 का और उसके पास जो लायबिलिटीज है वो $65,000 का है। तो यहां पे आप समझना क्या है ये समझिए, किसी भी कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल होता है वो उसका जो टोटल एसेट्स होता है, हेलो, उसका जो टोटल एसेट्स होता है उसमें से उसके लायबिलिटीज यानी कर्ज को घटाने के बाद जो संपत्ति बच जाता है वो उसका होता है वर्किंग कैपिटल। जैसे सपोज करो कि कोई कंपनी है जो जिसके पास 1 करोड़ रुपए थे और उसने 50 लाख रुपए और कर्ज लेकर उसने अपने कंपनी को बनाया, तो उसका जो कंपनी का एसेट्स होगा वो होगा 1.5 करोड़ यानी 1,50,00,000 का। लेकिन उसका कैपिटल कितना होगा? उसका कैपिटल होगा उसके एसेट्स में से उसके लायबिलिटीज को माइनस कर देना है। तो उसका एसेट्स है 1,50,00,000, उसमें से उसका लायबिलिटीज है 50 लाख को माइनस करने पर उसका जो कैपिटल होगा वो 1,00,000 होगा और इसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। देखिए यहां पे एक चार्ट भी दिखा रहा है, जैसे यहां पे बता रहा है कि ए हेयर सैलून। सबसे पहले तो मैं आपको इस एग्जांपल को क्लियर करता हूं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपिटल को कई भागों में बांटा गया, वर्किंग कैपिटल, डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल और ट्रेडिंग कैपिटल, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंपनीज करेंट एसेट्स एंड इट्स करेंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल जो होता है किसी भी कंपनी का जो करेंट एसेट्स होता है उसमें से करेंट लायबिलिटीज को घटाने के बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इट इज ए मेजर ऑफ कंपनीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। एग्जांपल, ए हेयर सैलून विद एसेट्स ऑफ $160,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ $65,000, यानी एक हेयर सैलून है जिसका एसेट्स है 1,60,000 रुपए का और उसका जो लायबिलिटीज है वो है 65,000 का, तो उसका जो वर्किंग कैपिटल होगा वो कितना होगा? तो देखिए यहां पे बता रहा है कि करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट्स में क्या है भैया? प्रॉपर्टी है, इन्वेंट्री यानी कुछ माल है, कैश है, ये सब हो गया उसका करेंट एसेट्स। अब ये करेंट लायबिलिटीज मतलब कि उसका कर्ज है, जैसे वेजेज मजदूरी देना है, रेंट देना है, यूटिलाइज कुछ सामान कर रहा है, यूटिलिटीज हो गया, टैक्स हो गया, ये सब हो गया करेंट लायबिलिटीज। इस सब को घटाने के बाद उसका जो अमाउंट बचेगा वो हो जाएगा $95,000। ये हो गया वर्किंग कैपिटल, जिसमें उसका हो गया कैश, शॉर्ट टर्म डेट, इन्वेंटरी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब उसका होता है वर्किंग कैपिटल। यानी सिंपल एक लाइन में अगर आपको समझना हो तो हमारा जो एसेट्स है उसमें से लायबिलिटीज घटाने के बाद जो बच जाता है उसे हम बोलते हैं डेट, सॉरी, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आगे आइए, अगला है डेट कैपिटल। ये क्या होता है? डेट कैपिटल इज द कैपिटल दैट ए बिजनेस रेज बाय टेकिंग आउट ऑफ ए लोन। ऋण पूंजी वह पूंजी है जिसे एक व्यवसाय ऋण लेकर जुटा था। जैसे मान लेते हमारे पास एक भी पैसा नहीं था और मैंने किसी व्यक्ति से कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को प्रारंभ किया, तो मैंने किसी से कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को प्रारंभ किया तो यहां पे जो ये कैपिटल होगा ये पूरा का पूरा होगा डेट कैपिटल यानी ऋण पूंजी, क्योंकि इसमें मेरा एक भी पैसा नहीं है।
लेकिन पहले वाला जो मैंने वर्किंग कैपिटल बताया था उसमें क्या था, मेरा भी कुछ पैसा था और मैंने कुछ, मेरे ऊपर कुछ लायबिलिटी भी था, तो लायबिलिटी घटाने के बाद जो बचा था वो मेरा था वर्किंग कैपिटल। लेकिन यहाँ सारा का सारा कर्ज लेकर ही मैंने व्यवसाय प्रारंभ किया तो ये हो जाएगा डेट कैपिटल। जैसे बैंक लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट एग्रीमेंट्स हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारा का सारा हो जाएगा आपको डेट कैपिटल। चलिए, तो जो हम डेट कैपिटल पढ़ रहे थे उसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला है, लो लेवरेज है और हाई लेवरेज है। देखिए ये क्या डिफाइन कर रहा है, यहाँ बता रहा है कि कंपनी का जो एसेट्स है वो 1000 है डॉलर में, डेट यानी कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 200 डॉलर है, यानी कंपनी का जो इक्विटी है वो 800 डॉलर है, यानी कंपनी अभी लो लेवरेज में है, यानी कंपनी का पोजिशन अभी ठीक ठाक है। पूरा का पूरा कैपिटल कंपनी का नहीं है, कंपनी के ऊपर अभी भी कर्ज है, लेकिन कंपनी ज्यादा कर्ज में नहीं है, थोड़ा कर्ज में है। लेकिन दूसरे तरफ बता रहा है हाई लेवरेज, यहाँ पे कंपनी का एसेट जो है 1000 डॉलर में है, जबकि डेट यानी कर्ज जो उसके पास है 800 डॉलर है, तो यहाँ पे जो इक्विटी है 200 डॉलर है, यानी कंपनी का जो यहाँ पे सिचुएशन है वो काफी खराब है, कंपनी बहुत ज्यादा कर्ज में है और कंपनी का जो पर्सनल इक्विटी है वो काफी कम है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ज्यादा कर्ज लेके हम व्यवसाय करते हैं तो अब यहां पे सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कंपनी ज्यादा कर्ज लेने के बाद अगर मुनाफे में चले तो हम तो उसको रिकवर कर लेते हैं, लेकिन अगर ज्यादा कर्ज भी ले चुके हैं और कंपनी अगर हमारा धीरे धीरे लॉस में जा रहा है तो एक दिन हम उसी कर्ज के अंदर दब के मर जाएंगे। तो यहां पर यह चीज इसका हाई लेवरेज और लो लेवरेज का जो है यहां पर एग्जाम्पल बता रहा है कि किसमें कंपनी का क्या रेशियो होता है। अब उसके बाद आइए अगला है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल क्या होता है, जैसे देखिए अब व्यापार में, अभी यहां पे तो जो मैं आपको बता रहा था ये था इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल लोग अपना अपना व्यवसाय कर रहे थे तो अपना अपना पूंजी लगा रहे थे, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी व्यवसाय होता है जो लोग अलग अलग लोगों से कुछ कुछ पैसा शेयर के रूप में लेते हैं और फिर व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। तो कुछ पैसा वो देकर जो व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं, व्यवसाय को संचालन करते हैं, उसे बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। तो जो जिस हिसाब से शेयर लगाता है उसे जो व्यापार में प्रॉफिट होता है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वैसा कैपिटल, वैसा पूंजी जो लोगों से, कई लोगों से कुछ कुछ शेयर के रूप में लेकर के और तब व्यवसाय को चलाया जा रहा है, उसे बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। अब अगला जो हमारा है उसका नाम है ट्रेडिंग कैपिटल। अब ये ट्रेडिंग कैपिटल क्या होता है समझिए, संपत्ति खरीदने और बेचने के लिए एक कंपनी को उपलब्ध धन की राशि। ट्रेडिंग कैपिटल ब्रोकरेज और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक शब्द है जो दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में ट्रेड करता है। व्यापारिक पूंजी किसी व्यक्ति या फर्म को विभिन्न प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए आवंटित धन की राशि। देखिए ट्रेडिंग कैपिटल क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई ब्रोकर है जो प्रोडक्ट को, जो जमीन खरीदता है और जमीन बेचता है, तो वैसा संपत्ति जो वो उसी समय खरीद के उसी समय बेचता है, एक दूसरे से कुछ में फिजिकल फंड का भी ज़्यादा यूज नहीं होता है। जैसे सपोज करिए कोई ब्रोकर है, आपके पास जमीन है, आपसे बात कर लिया कि आपको बेचना है और सामने वाले से बात कर लिया कि मुझे खरीदना है, तो आपसे बात किया और आपसे बात करने में उसे पूरा पैसा नहीं देना पड़ता है, हो सकता है उसे कुछ एडवांस पेमेंट करना है। तो वैसा कैपिटल जो कम पूंजी में ही काम चल जाए और हमेशा वो ट्रेडिंग में रहता है, व्यापार में खरीदा, आपसे पैसा लेकर के और आपसे बेच दिया, तो पैसा आपका यूज हुआ, पैसा किसका हुआ, आपका यूज हुआ, जमीन आपको बेचना था लेकिन बीच में वो थोड़ा पैसा लगाकर क्या हो जाता है, मुनाफा ज्यादा कमा लेता है। तो वैसा पूंजी जिसमें पूरा पूंजी नहीं लगाना पड़ता है लेकिन उसमें आमदनी जो होता है, उसमें इनकम जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग कैपिटल। तो मुख्य रूप से मैंने आपको चार तरह का कैपिटल पढ़ाया। सबसे पहला हो गया वर्किंग कैपिटल, जो हमारा करेंट एसेट्स है उसमें से करेंट लायबिलिटी को घटाने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दूसरा होता है हमारा डेट कैपिटल, कि भैया मैंने जो कर्ज लेकर, कंपनी एकदम कंगाल है, कंपनी के पास कुछ नहीं है, वो कर्ज लेकर जो बिजनेस प्रारंभ करता है वो होता है डेट कैपिटल। उसके बाद तीसरा होता है इक्विटी कैपिटल, जो बहुत सारे लोग संगठित रूप से कुछ कुछ पैसा मिलाकर शेयर के रूप में व्यापार को संचालन कर रहे हैं, ये होता है इक्विटी कैपिटल। और ट्रेडिंग कैपिटल जो कुछ पैसे पूंजी में रखता है और बहुत ज़्यादा किसी कस्टमर से पैसा लेकर के और किसी दूसरे व्यक्ति से जिससे माल खरीदना है और सामने वाले को बेचना है उसी के पैसे से एडजस्टमेंट कर देता है, ये होता है आपका ट्रेडिंग कैपिटल। देखिए ये जो हमारा, जैसे कि आपको मैं बता रहा था लो लेवरेज और हाई लेवरेज, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको जो है विजय माल्या। देखिए विजय माल्या का स्टार्टिंग में क्या था, कंपनी बहुत अच्छा चल रहा था। क्यों अच्छा चल रहा था, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा चल रहा था, उसका जो है
एसेट्स और इक्विटी, यानी इक्विटी उसके कंपनी का ज्यादा था, डेब्ट था। कितनी भी बड़े बड़े, आप जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिएगा, उसके पास बहुत ज्यादा कर्ज होता है। लेकिन कर्ज होता है तो उसका पैसा जो लगा होता है बिजनेस में, उससे कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट मिलता रहता है। तो देखिए, अब उसमें हुआ क्या कि इसका जो बिजनेस था, इसमें स्टार्टिंग में क्या था कि उसका इक्विटी ज्यादा था जबकि कर्ज कम था। तो ये हो गया आपको लो लेवरेज। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसका मैनेजमेंट खराब हो गया, उसका संचालन अच्छे से नहीं हो पाया, तो कंपनी का जो है डेट यानी कर्ज जो है वो ज्यादा हो गया। अब सीधा यहां पे 800 अगर कर्ज हो रहा है और 200 इक्विटी है, यानी इक्विटी एकदम कम हो गया और उसका आमदनी कर्ज जो है बहुत ज्यादा हो गया। इस तरह से क्या हुआ, उसका कंपनी गर्त में चला गया। तो उससे क्या सीख लेना है कि कंपनी को अगर हमें मजबूत बनाना है तो हमारा जो इक्विटी हो वो डेट से ज्यादा होगा, तभी हमारा कंपनी ग्रो करेगा। जैसे ही हमारा इक्विटी हमारे डेट से कम होते चला जाएगा, यानी हमारा डेट ज्यादा और इक्विटी कम हो जाएगा, उस केस में कंपनी का खत्म होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि उतनी बड़ी कंपनी किंगफिशर किस तरह से बर्बाद हो गया, जो आप लोग जानते ही हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ड्रॉइंग्स अकाउंट। देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट क्या होता है समझिए। सिंपल अगर मैं अपने सरल शब्दों में बोलूं तो व्यापार का मालिक अपने व्यापार में जो रुपया माल संपत्ति लगाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। व्यापार का मालिक अपने व्यापार में जो रुपया माल या संपत्ति लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। और व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से जो भी संपत्ति, जो भी वस्तु या जो भी पैसा निकालता है उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जैसे सपोज करिए कि एक कपड़ा का व्यापारी है और वो अपने मम्मी के लिए उस कपड़े के दुकान में से कोई कपड़ा निकालता है, तो वो उसके निजी प्रयोग के लिए गया, तो ये जो उसने निकाला ये हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। या सपोज करो कि हमारे आसपास में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस से पैसा निकालकर अपने बच्चों का ट्यूशन फी जमा कर रहे हैं, तो ये बच्चों को जो ट्यूशन फी जमा कर रहे हैं ये इनका पर्सनल यूज के लिए, निजी प्रयोग के लिए जा रहा है। तो व्यापार से व्यापार का मालिक जब निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालता है तो वो उसके लिए ड्रॉइंग्स होता है। जैसे सपोज करो कोई व्यापार का मालिक है जो अपने स्टाफ में या अपने फ्रेंड लोगों के साथ पार्टी करने के लिए, व्यापार से अपने निजी प्रयोग के लिए वो पार्टी करे, वो मस्ती करे, अपने बच्चे का ट्यूशन फी जमा करे, डजंट मैटर, वो पैसा निकाल के क्या करता उससे मतलब नहीं है। बस ध्यान ये देना है कि व्यापार का मालिक, व्यापार का ओनर अगर अपने व्यापार में पैसा लगा रहा है तो कैपिटल, और व्यापार से पैसा निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स। अब वो पैसा निकाले या व्यापार से संपत्ति यानी सामान निकाले ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सामान निकाले या पैसा निकाले दोनों केस में वो ड्रॉइंग्स होगा, सामान लगाए या पैसा लगाए दोनों केस में कैपिटल होगा।